लोग इस वीडियो में देखेंगे कारपुस्तिका प्रकृति। इसके पहले हम लोगों ने इसके अभ्यास प्रश्न देखे हैं जो टेक्स्ट बुक हमारी थी, और उसकी सारी शिक्षण योजनाएं हमने देखा है वीडियो पे या हमारे चैनल पे। और आज हम लोग ये कारपुस्तिका को हल करेंगे। और इसके पहले हम दो पाठ, जितने भी पाठ हैं उनका हम प्रश्नों का हल दे चुके हैं, तो यानी पाठ एक और दो हो चुका है। और आज की वीडियो में हम पाठ तीन गौरव पुरस्कार का हल देखेंगे कारपुस्तिका का। तो आपके विद्यालय में वार्षिक खेल का आयोजन होता है, यदि हाँ तो किस माह में किया जाता है और कौन कौन से खेल का आयोजन किया जाता है? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि हाँ, अक्टूबर व नवंबर माह में, जिस माह में आपके यहाँ खेल का आयोजन होता है उस माह का नाम लिख देंगे। कौन कौन से खेल उसमें खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी है, खो खो है, दौड़ है, निबंध लेखन है आदि, वार्षिक खेल का आयोजन किया जाता है। अब इसमें जो भी खेल और भी होते हैं और जिस माह में होते हैं उनको हम आगे इसी में लिख सकते हैं। आगे आता है प्रश्न संख्या दो, आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें जो भी खेल, जो मतलब विद्यालय में जो भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है आपके विद्यालय में, उसमें आपको सही का निशान लगा देना है, और जिसका मतलब आयोजन नहीं किया जाता है उसको हम खाली छोड़ देंगे। तो खेल प्रतियोगिता का आयोजन लगभग सभी विद्यालयों में होता है, इस पर हम सही का निशान। नृत्य प्रतियोगिता, अगर इसका आयोजन होता है तो इसमें सही का निशान लगाएंगे, नहीं तो इसमें छोड़ देंगे। इसके बाद आता है निबंध प्रतियोगिता, ये भी लगभग सभी विद्यालयों में होता है। कला प्रतियोगिता, ये भी सभी विद्यालयों में होता है, तो इसको हम जो है सही का निशान लगा देंगे। नाट्य प्रतियोगिता, ये अगर होता है तो इसमें भी सही का निशान लगा दें। संगीत प्रतियोगिता, अगर होता है तो सही का निशान लगाएंगे। और विज्ञान प्रतियोगिता, अगर होता है तो सही का निशान लेंगे। जो भी खेल हमारे स्कूल में होते हैं, जो भी आयोजन प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है उसमें हम सही का निशान लगा देंगे, और जो नहीं होते हैं उनको हम खाली स्थान छोड़ देंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या तीन, कि आपने या आपके प्रिय दोस्त ने कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है? किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, निम्न तालिका में लिखिए। तो आपने किस में भाग लिया है, अगर आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है तो आप उसका नाम दे देंगे। और आपके प्रिय दोस्त ने किस में भाग लिया है, जिस भी प्रतियोगिता में भाग लिया है उस दोस्त का नाम लिख देंगे। अगर नहीं लिया है किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है तो इसमें आपको लिख देना है कि हमने किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। आगे आता है प्रश्न संख्या चार, कि वह प्रतियोगिता जिससे आप और आपके दोस्त ने भाग लिया हो तो उसका अनुभव कैसा था? अब जैसे आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, आपकी हार हुई या जीत हुई, जो भी आपका अनुभव है, आपको कैसा लगा, हारने पर कैसा लगा, जीतने पर कैसा लगा, उस खेल में हमें क्या क्या सीख मिली, तो ये सब चीज़ें हम इसमें लिख देंगे। अब आगे आता है इसी का अगला पार्ट दिया गया है गौरव पुरस्कार, यानी पहला प्रश्न दिया गया है कि घर के अंदर खेले जाने वाले तथा घर के बाहर खेले जाने वाले अपने मनपसंद खेलों के नाम तालिका में लिखिए। अब हम देखते हैं कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं। लगभग हमने कुछ खेलों के नाम दिए हैं, इसके अलावा भी जो खेल आप जानते हैं उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो शतरंज है, टेबल टेनिस है, कैरम है, लूडो है, और पजल है, विलियर्ड्स है आदि, ये सब खेल हम घर के अंदर खेल सकते हैं। अब इसमें सांप सीढ़ी को भी दे सकते हैं, और भी जो भी खेल हैं हम इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने आदि लिख दिया है। अब आता है कि घर के बाहर खेले जाने वाले कौन कौन से खेल हैं। तो हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, घुड़दौड़ है आदि, क्योंकि इसमें हमें मैदान की ज़रूरत होती है, तो ये खेल हम घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं, ये हम बाहर पार्क में ही खेल सकते हैं, यानी घर के बाहर ही ये सारे खेल हम खेल सकते हैं। आगे आता है प्रश्न संख्या दो, इसमें दिया गया है कि घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो घर के बाहर हम जो खेल खेलते हैं उससे हमें क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है? तो घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों से हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। आगे आता है प्रश्न संख्या तीन, कि अपनी माँ और पिता से चर्चा करके लिखिए कि जब वे छोटे थे तब कौन कौन से खेल खेलते थे, इन खेलों से उन्हें क्या लाभ होता था। तो ये बच्चों सबको
अपनी मम्मी पापा से पूछना है और इस पर चर्चा करनी है घर में कि कौन कौन से खेल खेलते थे और उनको क्या लाभ उससे होता था, तो वो उस पर जो भी बताएंगे उस खेल के बारे में और जो उस खेल से उनको लाभ होता था वो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे आता है क्योंकि सबके मम्मी पापा अलग अलग खेल बताएंगे तो इसमें किसी एक खेल के बारे में बताना सही नहीं है, तो इसमें बच्चे अपने अपने हिसाब से खेल का नाम लिखेंगे। आगे आता है कि गौरव पुरस्कार, इस आगे उसी में दिया गया है प्रश्नोत्तरी में ही। पहला प्रश्न इसमें दिया है, क्या आप अपने दोस्त के साथ कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें आपको नियम बनाने की आवश्यकता होती है, उन खेलों के नाम बताइए। अगर आपने ऐसा कोई खेल खेला है अपने दोस्तों के साथ जिसका कि नियम आपने स्वयं बनाया हो तो उस खेल को आप लिखेंगे और खेल का नाम लिखेंगे और नियम बनाने की आवश्यकता, जो जिस खेल में आपने नियम बनाया है उस खेल का नाम लिख देंगे। और आगे आता है कि जब आपके दोस्त किसी खेल को खेलने के लिए अपने नए विचार देते हैं तब आप उनसे सहमत होते हैं, यदि हाँ तो क्यों। अगर आपके दोस्त ने खेल खेलने के लिए कोई विचार नया देता है तो आप उसे सहमत होते हैं, अगर आप सहमत होते हैं तो हाँ लिख दीजिए और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, इस पर भी आपको तर्क मतलब लिखना है। अगला प्रश्न आता है कि किसी भी खेल को खेलने के लिए उसमें नियम बनाना क्यों ज़रूरी होता है। तो खेल में नियम तो बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर खेल का नियम नहीं होगा तो हम उस खेल का निर्णय नहीं कर सकते कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है और वो खेल दिशाहीन होता जाएगा, उसका कहीं अंत नहीं होगा। तो एक खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए किसी भी खेल में नियम बनाना जरूरी होता है, यानी हार जीत का फैसला करने के लिए खेल का नियम बहुत ज़रूरी है। अब इसी के बाद आओगे उसी में दिया गौरव पुरस्कार का अगला पार्ट दिया है, प्रश्न संख्या एक इसमें दिया गया है कि यदि आप किसी खेल में हार जाते हैं तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है। तो हमें लगता है कि उस खेल में हमें अभ्यास की और ज़रूरत है जिससे कि हम खेल में जीत सकें। अगर हम कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं परीक्षा दे रहे हैं अगर हम उसमें असफल हो जाते हैं तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे असफल हो रहे हैं, कहाँ पे हमारी कमियाँ रह गई हैं। तो उसी ठीक उसी प्रकार से खेल में भी होता है, अगर हम हार जाते हैं तो हम निराश नहीं होंगे बल्कि हम उस खेल में जो हमारी कमियाँ हैं जो अभ्यास जहाँ भी कमियाँ हैं उन कमियों को पता लगाएंगे और पता लगाने के बाद उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो ये है, इसके बाद आगे आता है उसी के आगे है प्रश्न संख्या दो, आप किसी खेल में एक टीम के कप्तान हैं और आपकी टीम उस खेल से हार जाती है तो आप हारने के बाद अपनी टीम के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो इसका उत्तर हमने दिया है कि टीम का कप्तान होने के नाते हम टीम का मनोबल नहीं तोड़ेंगे बल्कि अगली बार जीत के लिए अभ्यास शुरू कर देंगे। अब आगे आता है कि जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पहला आ दिया गया है कि उस टीम का मजाक उड़ाना चाहिए, ये गलत है, और जो इसमें सही है उसमें हम सही का निशान लगा देंगे। उस टीम को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। उस टीम को बधाई देनी चाहिए, ये भी सही है कि आपने मेहनत किया है तो आपके लिए अब खेल जीतने के लिए आपको बधाई, तो ये भी सही है, इसमें से कोई नहीं ये गलत है। तो जो सही है उसमें हम सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या चार कि किसी भी खेल में एक टीम का क्या महत्व होता है। तो टीम के साथ कार्य करने से बच्चों में अनुशासन, निष्पक्ष न्याय व सामाजिक गुणों आदि का विकास होता है। अब इसी के आगे आते हैं गौरव पुरस्कार, इसमें अगला पाठ दिया गया है कि आपके आसपास कौन सा खेल केवल लड़कों द्वारा खेला जाता है और कौन सा खेल केवल लड़कियों के द्वारा खेला जाता है, कौन से खेल दोनों खेलते हैं तालिका में लिखिए। तो वैसे तो आजकल खेलों में कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी खेल सब लड़के और लड़कियां दोनों खेलते हैं, लेकिन कुछ खेल को नाम हमने दिया है जो स्पेशली लड़के ही अधिकतर खेलते हैं और कुछ खेल जो है लड़कियां ही खेलती हैं। तो अगर इसके अलावा भी आपको खेल मालूम है तो उन खेलों को आप इसमें लिख सकते हैं। तो आगे आता है इसमें दिया गया है कि जैसे हमने केवल लड़कों द्वारा खेले जाने वाले खेल में कबड्डी दे दिया है, क्रिकेट है, हॉकी है और फुटबॉल है, वॉलीबॉल है आदि, और भी सारे इसमें खेल हो सकते हैं। और आगे है केवल लड़कियों द्वारा खेला जाने वाले खेल खो खो है, कोड़ा जमाल छू, बर्फ पानी, दौड़म दौड़ाई, चैन चैन, दौड़
और स्टापू आदि ये खेल है। तो इस तरह के खेल हम जो है ये लड़कियों द्वारा खेले जाते हैं। इसके बाद लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर कौन से खेल खेलते हैं, तो लूडो है, कैरम, शतरंज, अंताक्षरी, सांप सीढ़ी आदि। ये ऐसे खेल हैं कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों खेलेंगे, खेल सकते हैं। अब अगला आता है या खेलते हैं, अगला आता है प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए खेलों के प्रसिद्ध पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों के नाम लिखिए। तो अब खेलों के नाम दिया गया है, पुरुष खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी। तो क्रिकेट, क्रिकेट का पुरुष खिलाड़ी रोहित शर्मा, इसमें जो भी क्रिकेट खिलाड़ी और भी हैं किसी भी खिलाड़ी का नाम लिख सकते हैं। और इसके बाद महिला खिलाड़ी है हरमनप्रीत। और टेनिस में पुरुष खिलाड़ी है वेन फरेला और महिला खिलाड़ी है सानिया मिर्जा। और पुरुष में जो है बैडमिंटन में जो है पुरुष खिलाड़ी चेतन आनंद है और महिला खिलाड़ी में अपर्णा पोपट है। इसके बाद बॉक्सिंग में आते हैं, तो बॉक्सिंग में पुरुष खिलाड़ी में विजेंद्र सिंह है और इसके बाद महिला खिलाड़ी में है शशि चोपड़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।